शिवा वो देख क्या आइटम है, क्या पटाखा है बाप, किस करूं क्या, उसकी तरफ देखना भी मत शिवा भाई, पुलिस कमिश्नर की बेटी है वो। पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो अपन भी तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। कोई भी पुलिस वाला अपने कॉलेज में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एक इशारे पे स्टूडेंट पूरी सिटी में आग लगा देंगे। आग सही है बेटो। अनु क्या हुआ, किसी ने, अरे बोल ना किस किया तेरे को, क्या हुआ अनु, अनु कंट्रोल सेल्फ, अनु अनु क्या हुआ, मेरी बात सुनो मेरी, ये सब कॉलेज स्टूडेंट है, रोज यहाँ आकर हंगामा करते हैं, मैं देखता हूँ उनको। बहुत बदतमीज लोग हैं, सबक सिखाना चाहिए इनको। अभी उनको फोन करती हूँ, एक मिनट में होश ठिकाने आ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, पापा को फोन करने से भी कुछ नहीं होगा, कानून समझाने लग जाएंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन्हें कौन ठीक कर सकता है। नाम अभय प्रताप, उम्र 26 साल, हॉबी लोगों से हाथ मिलाना, खासियत गलत लोगों को छूते ही हाथ, हथियार बन जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अभय प्रताप सिंह, तूने क्या सोचा, तू इस कॉलेज को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करता रहेगा और पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी। तू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने तुझे यहां सबके सामने मारा। अगर यही हरकत किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने की होती तो मैं उसके ऑफिस में घुसकर उसे मारता। अगर MLA ने की होती तो मैं उसके इलाके में घुसकर उसे मारता। अगर MP ने की होती तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि मेरा उसूल है नो FIR, नो अरेस्ट, नो डॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। एक का दाहिना हाथ बेकार हो गया और एक का बाया, चार तो हॉस्पिटल में पहुंच गए। उस इडियट की वो पिटाई की है भैया ने कि बस। अबे चल आगे चल। आज बरखुरदार साथ नहीं दौड़ेंगे, गलती जो करके आए हैं। पापा मैंने कोई गलती नहीं की। बस बस क्यों? कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को मारना गलती नहीं होती क्या? हम लोग तो थक गए पापा, वो स्टूडेंट्स हैं। ओके बाय। गुंडे हैं। लेकिन तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, आम आदमी की तरह तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले FIR दर्ज करते, उसके बाद उनसे पूछताछ करें, फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज करते। फिर मामला कोर्ट में जाता, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता और वो पुलिस वालों पर आकर घर चले। अरे ऐसे कैसे चले जाते, अदालतें किस लिए बनी है? अरे जज सर। हाय, हाउ आर यू कमिश्नर? हेलो हेलो, हाउ आर यू सर? अच्छा एक बात बताइए, क्या कोर्ट हर क्रिमिनल को सजा नहीं देती?
ओनली 1% ऑफ क्रिमिनल ऑलवेज गेट द पनिशमेंट। नो, परसेंटेज गलत है, एटलीस्ट 10% को सजा मिलती है। 1% 10% 1% 10% 1%। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट इंटरफेयर, शी इज माय पर्सनल वाइफ। पैसा गलत होती हो। क्या बोला, मैं हमेशा गलत हूं? दैट्स राइट। तो डाइवोर्स दे दो, चलो माय प्लेजर, चलो वॉक करने को, अभी पेपर साइन करने को। पीछे तुम सबको भगा रहे हो यार। मैं तो 2 रुपए के लिए भी 200 मील दौड़ जाऊं। अरे हवलदार साहब, अरे चलो, अरे पकड़ो, पकड़ो इस लड़की को, भागने ना पाए। छोड़ो मुझे। ओह यही लड़की है, इसने मेरा पर्स चुराया। ये लड़की, एक कमजोरी लाल, तू यही ठहर, मैं इनसे जरा पूछताछ करके आता हूँ। सुनिए जी, आपने उसका पर्स मारा? अरे हाँ। कितने पैसे उसमें? अरे सिर्फ 200। 200? 50 आपके, 50 आपके, 100 मेरे। तुम्हारे 100? चोरी मैंने की है ना। ठीक है, चलो चलेगा। तो मैं जाऊँ? ठीक है, ओके, बाय। हटिए हटिए हटिए, आप हटिए, आप लोग हटिए यहाँ से, हटिए। क्या हंगामा लगा रखा, हटिए हटिए हटिए। क्या हुआ बहन जी? किसी ने मेरा हार चुरा लिया है, आप इन सबकी तलाशी लीजिए। तलाशी इनकी? ये कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा हार कैसे मिलेगा? मैं बताऊं? बता, तुझे मालूम था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता। लड़की, तूने हार चुराया? नहीं। मैं तुम्हारी तलाशी लूं? आप मुझे छोगे भी नहीं, क्योंकि मैं औरत हूं और आप मर्द है ना। खैर, आप जो कुछ भी हो, आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। आप सिर्फ मुझसे पूछताछ करोगे, और वो भी यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे जैसे मासूम और भोली लड़की चोरी कर ही नहीं सकती। हार मैंने ही चुराया है। क्या इंस्पेक्टर घोर पड़े के इलाके में चोरी? इतनी बड़ी गलती? मैं बहुत सख्त और बहुत कड़क इंसान हूँ। दिख रहा है, बोलो क्या लोगे? क्या मतलब? आधा हार या कैश? तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो? क्यों, आप रिश्वत नहीं लेते? नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी जैसी समझदार और खूबसूरत लड़की। सुनो, तब तक ये छोटे मोटे हाथ मारती रहोगी, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा ज्यादा माल कहाँ मिलेगा। ये रहा मेरा कार्ड, ओके, बाय बाय। सर पूछिए मत, मैं जगमोहन मेहता इस होटल का मैनेजर हूँ। पूछिए मत सर, हमने उसे पकड़ रखा है। उसने हमारे कैश काउंटर से 50,000 रुपए इतनी सफाई से साफ किए कि पूछिए मत। आप उसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये काम उसने किया है। पूछिए मत सर, उसके चेहरे पे भोलापन, आंखों में मासूमियत। पूछिए मत। हाँ हाँ, बाबा नहीं 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 नहीं, इस बार आप उससे पूछिए। चलो हटिए हटिए, सब बाजू हटिए, सब बाजू हटिए, बाजू हटिए। सर देखिए, एसीपी अभय प्रताप सिंह। मैं राम प्यारी। इतनी खूबसूरत लड़की किसी का दिल तो चुरा सकती है, लेकिन पैसे नहीं। पूछे मत सब, कहाँ खो गए? कहीं ब्यूटी को देख के ड्यूटी तो नहीं भूल गए ना? नहीं नहीं, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, वहां इसकी अच्छी तरह से पूछताछ करूंगा, क्योंकि जो ये देख रही है वो है नहीं, और जो है वो देख नहीं रही। चलो राम प्यारी। हाँ हाँ, जब मैंने चोरी नहीं की है तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, रेलवे स्टेशन, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सर एक्चुअली बात क्या है ना, पैसे मैंने ही चुराए हैं। इसने चोरी नहीं की, फिर ऐसे क्यों बोल रही है? लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पुलिस वालों से मिलजुल कर ही चुराती हूँ। आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। वैसे आप कितने में पटोगे? 10% कम है? 20% 20 भी कम? सब 50%, 25,000 आपके, 25,000 मेरे। आप भी क्या याद रखोगे कितनी दिलदार चोरी से पाला पड़ा था? 50% पे भी नहीं मान रहा सर। सर 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 सर, एक्चुअली मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो भूल ही गई, आप तो ACP है ना, बड़ी पोस्ट, बड़ा हिस्सा, 99% आपका, 1% मेरा। आखिर चोरी मैंने की है ना, 50,000 का 99% कितना होगा? अरे सर सर सर, सुनिए तो मैं अभी कैलकुलेट करके आपका हिसाब देती हूँ। सर बैठो। सर आप सचमुच मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? I said sit inside. सर सब पैसे आपके, 99% नहीं, 100%। सर आप एक लड़की को पुलिस स्टेशन, वो भी मुझे जैसी खूबसूरत लड़की को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, लॉकअप में बंद करोगे, तो मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा? सर सब कुछ तो सोचिए,
आखिर आपको चाहिए क्या? 100% तो दे रही हूँ। अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा, 100% पर भी माने को तैयार नहीं, आखिर चाहता क्या है? तो ये बात है। अब मैं समझी कि आप 100% पर भी क्यों नहीं मान रहे हो। आपकी नियत में ही खोट है। आप एक अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना चाहते हो। क्या? हाँ बात बिल्कुल यही है। आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ बचाओ, ये ऑफिसर से मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। बैठो। हाँ चाहता हूँ, ब्लैकमेल करना चाहता हूँ, तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझी? इसलिए चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैंने कहा जाओ। यस यू कैन गो, कम ऑन, गो गो। लड़की में बात तो है।